वेलकम फ्रेंड्स फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर वट विल डू विल डिस्कस दीज पॉइंट नंबर वन कि ये वाला पेपर कब हो सकता है 2022 में या 2023 में वट इज एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट उसके अलावा सिंस यूपीएससी पी एस सी हैज नोट डिस्कलोज दिलेबस तो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा कहा हम लोग क्या पढ़ाई करें वट वी शुड बी स्टडिंग थर्ड थिंग

वट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे क्या सीखेंगे कि अगर एग्जाम में जाए तो कितना स्कोर टारगेट करना है वट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बाद कि तैयारी कैसे करना है और तैयारी करते करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है एंड लास्ट थिंग वट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम सो गज वट इज ओवरऑल प्लान सो दिस इज अडियो सीरीज ऑफ सिक्स पार्ट ठीक है सो दिस पार्ट पार्ट में हम ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे और इसके बाद पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक टॉपिक की कि लेबर लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन वेलफेयर इन सारे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है पार्ट थ्री में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को कैसे हैंडल करना है पार्ट फोर में एच आर एम एंड नेचुरल जस्टिस के लिए क्या करना है पार्ट फाइव में करंट अफेयर को कैसे हैंडल करना है और पार्ट सिक्स में इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हारा की है उसका क्या करना है सो सिक्स पार्ट में वीडियो है आज ओवरऑल जो बातें हमें देखनी है ऑन दीज पॉइंट उसके बाद पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव पार्ट सिक्स में एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे सो so, पेपर uh, uh, के बारे में आई एम श्योर कि ये सब चीजें काफी लोगों को पता चले गया होगा फिर भी जल्दी से थर्टी uh, सेकेंड्स में बता देता हूं कि 120 सवाल हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, नेगेटिव मार्किंग है थर्ड, रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज, 75 to, आ, 25, 75 25, का और 25 इंटरव्यू का अगर 120 सवाल हैं, हर एक सवाल अगर 2.5 मार्क्स का है तो रिटर्न के 300 नंबर हो गए इसका मतलब 300 नंबर रिटर्न के हंड्रेड मार्क्स इंटरव्यू के कितनी सीट्स हैं नोटिफिकेशन देख लेना 42 है शायद अब उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है अगर किसी को एलिजिबिलिटी के बारे में डाउट है तो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड यूट्यूब पे वीडियो डाला है उसका हेडिंग है डाउट अबाउट एलिजिबिलिटी काफी सारी डिग्रीज है काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है तो उसका नाम है डाउट अबाउट एलिजिबिलिटी ह्यूमन पेरिटस के यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार वीडियो देख लीजिए चालीस मिनट का वीडियो है सो दैट विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि आप एलिजिबल है या नहीं है नेक्स्ट चीज आती है कि कंपटीशन कितना होगा सो so जो पेपर 2017 में हुआ था एलई का उसमें 33 सीट्स थी और इन 33 सीट्स के लिए 2255 लोगों ने अप्लाई किया था अब सवाल यह आता है कि अब जो पेपर होगा जो नेक्स्ट होगा 2023 में होगा ये वाला पेपर ठीक है तो इस वाले पेपर में क्या लेवल ऑफ कंपटीशन होगा अंडरस्टैंडिंग एट ह्यूमन हमारा ऐसा मानना है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी एट लीस्ट पंद्रह से बीस हजार पिछली बार कितने थे दो हजार हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ टू रीजन नंबर वन अब की बार जो क्वालिफिकेशन है दैट हैज बीन रिलैक्स्ड बाय यूपीएससी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2017 में था फॉर द पोस्ट ऑफ एलियो जो कि लोगों ने मार्च 2017 में फॉर्म भरे थे और जो क्राइटेरिया अब आया है 2022 में सो दो हजार में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रिलैक्स हो चुका है सो नाउ मोर गाइज आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम ये पहला कारण है कि द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विल गो अप दूसरा कारण गाइज बिकॉज वी हैव बीन डूइंग

कि ईपीएफओ का पेपर जो 2017 में हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेटली डेढ़ लाख लोगों ने फॉर्म भरा था वही ईपीएफओ का पेपर जब 2021 में हुआ तो 9 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था छह गुना तो इस बात से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज चेंजिंग ओवर दस सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन द नंबर ऑफ एक्सपीरेंट इज गोइंग टू बी मच मच हायर और अब की बार सीट्स है कितनी

सवाल ये है कि एग्जाम कब होगा या कितने दिन बाद होगा सो so गाइस इस चीज का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें क्या हुआ वी ट्राई टू लुक एट दैट ठीक है जैसे कि मैं आपको जैसे हमने और हमने ना ये ये सारे पेपर हैं जो पिछले सात-आठ साल में हुए हैं 18 से 20 पेपर है जो हुए हैं जैसे कि पिछला एलियो का पेपर है उसके फॉर्म भरे गए थे मार्च में और फिर एग्जाम कब हुआ नवंबर 2017 में मतलब कितने दिन बाद मार्च तीसरा महीना नवंबर 11वां महीना तो आठ महीने बाद ये पेपर हुआ एलियो का पिछली बार ईपीएफओ जून 16 उसके बाद फरवरी 17 में एग्जाम हुआ बीआरओ एडमिन ऑफिसर सितंबर 18 फॉर्म भरे गए अगस्त 19 में हुआ तो इस तरह हमने एक-एक करके सारे एग्जाम्स का एनालिसिस किया है सो तो गाइस इसकी समरी क्या है So, इसकी समरी ये है ठीक है पहली बात कि जो मिनिमम टाइम है यूपीएससी ने एग्जाम किया वो किया है फास्टेस्ट वो किया है चार महीने के अंदर और जो बिल्कुल लेट से लेट है वो कितना किया है पंद्रह महीने के अंदर ठीक है ये मतलब जो मतलब हिस्टोरिक डेटा है सो so, गाइज हमारा ऐसा मानना है बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दिस दिसा पॉइंट कि तुम लोगों को कम से कम छह सात महीने का टाइम तो तैयारी करने के लिए मिलेगा इसका मतलब क्या है कि ये वाला एग्जाम एज पर आवर गेस अगले साल फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास से पहले होने का चांस नहीं है हम ये नहीं कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में ही होगा हो सकता है अगले साल जुलाई में हो हम ये कह रहे हैं कि फरवरी मार्च से पहले होने का चांस काफी कम है तो तुम लोगों को कम से कम छह महीने का टाइम तैयारी करने के लिए मोटा मोटा तुम लोगों को मिलेगा अनदर फैक्टर इज फर्म न्यूज की ए भी आने वाला है अगर ए भी आएगा अगले एक दो महीने में तो डेफिनेटली दोनों एग्जाम कंबाइन होंगे तो उससे एग्जाम और शायद एक दो महीने पीछे ही जाएगा अब गाइज इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं वट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि एवरेज हमें छह सात महीने का टाइम तो शायद मिलेगा ठीक है तो वट बेस्ट वी शुड बी डूइंग हमें चार महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए सो गाइज वट वी एडवाइज कि तुम लोग अपना तैयारी इस तरीके से प्लान करो कि तुम 31 जनवरी 2023 तक अपना सिलेबस खत्म कर लो उसका पेपर जब भी हो बिकॉज दैट इज कंट्रोल अगेन अनदर थिंग अभी काफी लोग ना यूट्यूब करेंगे कि यूपीएससी का ये कैलेंडर है इसमें इस संडे को ये वाला रिक्रूटमेंट एग्जाम डेट खाली पड़ता है ये गैस है और कुछ काम नहीं करता ट्रुथ ये है कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम का डेट गैस कर पाना संभव किसी के पास नहीं है सो so, संभव करना किसी के पास भी इस एग्जाम को गैस करने की कैपेबिलिटी नहीं है कोई नहीं कर सकता हम मोटा मोटा बता रहे हैं कि पांच छह महीने आपको मिलेंगे कोशिश कीजिए कि अगले चार महीने में, में पूरा कर लो, ताकि जब भी एग्जाम हो उस दिन के लिए आप रेडी रहो नेक्स्ट पॉइंट वट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं या बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने का ये तरीका है कि वो लोग सिलेबस बाद में देते हैं एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्स किसी किसी एग्जाम में दे देते हैं जैसे ईपीएफओ का सिलेबस पहले उन लोगों ने दे दिया था

2017 में क्या हुआ मार्च में फॉर्म लोगों ने फॉर्म कब भरा मार्च 2017 में लोगों ने फॉर्म भरा उसमें सिलेबस सिलेबस नहीं आया। आया फिर एक अलग नोटिफिकेशन अक्टूबर 2017 में, जिसमें था और इसमें क्या लिखा हुआ था इस नोटिफिकेशन में इसमें दो बातें लिखी हुई थी नंबर वन कि तुम्हारा एग्जाम पच्चीस नवम्बर दो को है और दूसरी बात क्या लिखी हुई थी कि यह सिलेबस है पढ़ाई करना शुरू कर दो ठीक है, है तो एक एक तरीका तरीका कि कि हम उस दिन का वेट कर लेते हैं जब आएगा, लेकिन फिर एक ही महीना बचेगा। दूसरा क्या है कि जो पिछले एग्जाम का सिलेबस है हमारे पास जो अवेलेबल है, उससे हम ना फर्दर तुम्हें ब्रेक डाउन करना होगा सिर्फ एच आर एम वर्ड से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि

आ, ये वाले कितने लेबर लो हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ सिर्फ आठ लेबर लो दिए हैं लेकिन तुम लोग कितने पढ़ने हैं तुम लोगों को उन्नीस पढ़ने हैं आठ नहीं पढ़ने हैं बाकी ग्यारह कौन से हैं ये वाले हैं अनदर थिंग जैसे यहाँ सिर्फ हम लोगों को एच दिया हुआ है ठीक है एचआर लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ एच नहीं पढ़ना हमें ओबीबी पढ़ना है अब ये सारी बातें हम बिकॉज Uh, इसमें वी हैव टू गो डीप इन टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड क्या करना है सो so, बाकी जो पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर करेंगे बट राइट नो वट कैन डू कि जो ये वाला सिलेबस तुम्हारे सामने अभी है इससे तुम अपना तैयारी शुरू कर सकते हो एंड इज ओनली ऑप्शन दिच यू हैव इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते अदर देन तैयारी छोड़ देने के अगर तैयारी कर रहे हो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन uh, विद सामने सिलेबस है इससे हम लोग अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके यस अच्छा वी आर आई एम फ्रॉम ह्यूमन एंड हम लोग क्या करते हैं वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट कॉमर्स एच आर लेबर लॉज इन सब्जेक्ट हम हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं एंड इंसिडेंटली वी आर यूनिकली पोजिशन टू असिस्ट यू फॉर दिस एग्जाम ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यूनिकली क्यों ऐसा क्या खास बात है क्योंकि एक तरफ तो जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ठीक है एच आर लेबर लॉज उनमें उसमें हमारा एक्सपर्टीज है हम सिर्फ आपके एग्जाम के लिए लेबर लॉज नहीं पढ़ाते हैं हम यू जी सी कोड फिफ्टी फाइव पी एस यूज में एच आर ऑफिसर या कुछ यूपीएससी के अदर एग्जाम्स हैं हम मतलब दस एग्जाम्स के लिए अपने लेबर लॉज पढ़ाते हैं हमारा उसमें स्पेशलाइजेशन है एच आर लेबर लॉज इन सब में ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड वाई ह्यूमन पेटिस हम यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी करते हैं जैसे कि ए एल सी ई पी एफ ओ एस आई सी ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल अब ए एल सी का पेपर जो दो हजार सत्रह में हुआ उसमें पैंतीस सीट थी ठीक है उसमें सात लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे मतलब पूरे कंट्री में हर एक पांचवा स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ ही और शी वाज स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पेटस उनके नाम भी दिए वेबसाइट पर जाके देख लेना जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अनंत सिंह उसमें कैंडिडेट है साक्षी चुग एंड वेरी नाइस इंटरव्यू कि uh, कैसे तैयारी करनी है कैसे आगे बढ़ना है वट शी डिड इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग एंड नाइसली कैसे एग्जाम पास करने का तरीका क्या है कैसे मेहनत का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं साक्षी चुग नाम है यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा

कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा सवाल कम इंपोर्टेंट है सॉरी कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इम्पोर्टेंट है ये हम कैसे डिसाइड करें सो so e. का पेपर पिछला कब हुआ सत्रह में हुआ उससे पहले ए का पेपर हुआ विद द सेम सिलेबस वो कब हुआ दो में हुआ तो इन दोनों पेपर को थोड़ा देख लेते हैं समझने के लिए कि कहानी क्या है ठीक है तो अगर हम देखते हैं कि 2015 के पेपर में जो लेबर लॉस टॉपिक है उससे अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव क्वेश्चन आए जबकि 2017 में लेबर लॉ से अप्रोक्सीन क्वेश्चन आए मतलब इंडियन पॉलिटी के 24 सवाल आए 2015 में जो कि के रह गए 10 2017 के पेपर में तो ये कितना हो गया माइनस फोर्टीन ठीक है सो गाइज वॉट इज द पॉइंट

वो सवाल मतलब बढ़ के दस हो गए ये अकाउंटिंग के पंद्रह आए फिर अकाउंटिंग के दस सवाल हो गए लेबर लॉज के पहले बीस आए फिर अगली बार लेबर लॉज के सवाल दस हो गए सो वॉट इज द द पॉइंट पॉइंट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एनालिसिस इज दैट इज दैट डोंट गो विद एनी रादर डोंट प्रिपेयर विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन की यह टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है तुम्हें सारा का सारा सिलेबस ही करना है सिलेबस के हरेक कीवर्ड को इक्वल रिस्पेक्ट देना है तुम्हारे पेपर में एच आर के दस वाल आए यहां अगली बार आठ आए हो सकता है जो 2023 में जो तुम लोग पेपर लिखोगे उसमें ये नंबर पच्चीस हो जाए दिस इज वेरी वेल पॉसिबल सो सारा सिलेबस 100% परसेंट कीवर्ड बाई की वर्ड करना है और तो वेटेज तो ऊपर नीचे होगा डिफिकल्टी लेवल भी कम ज्यादा होगा वी ऑल्सोन इट बिकॉज वी हैव डूइंग इट Uh, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं इसी चीज को ठीक है 2017 में जो ईपीएफओ का पेपर हुआ ठीक है उसमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सवाल आए वो सीए uh, के सीए में भी तीन लेवल होते हैं बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सवाल आए थे 2017 में ठीक है फिर क्या हुआ कि हम हम लोगों ने इसका कोचिंग दिया था ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया कि, कि लोगों को काफी अच्छे से अकाउंटिंग पढ़ा दिया फाइनली जब पेपर हुआ सो so दो 2021 में पेपर हुआ अकाउंटिंग का उसमें सारे सवाल इलेवन ट्वेल्थ लेवल के थे सो लुक एट द डिफिकल्टी लेवल कहा तो सी का इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल और कहा इलेवन ट्वेल्थ लेवल की अकाउंटिंग अगले वाले पेपर में आ गई सो इवन डिफिकल्टी लेवल कैन वेरी और इसलिए ही जब ये वाला पेपर हुआ इसमें कट ऑफ था 58 सवाल जिसने ठीक किए 120 में से और इसमें कट ऑफ था जिसने 78 टू 80 सवाल ठीक किए 120 में से। Now you guys can also have some idea कि कैसे difficulty level भी भी ऊपर-नीचे होता रहेगा and accordingly भी वेरी करता रहेगा। करता so टॉपिक कौन सा है कौन सा नहीं ये सब चीजें खिड़की से बाहर निकाल दो 100% परसेंट सिलेबस करना है नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं ठीक है So, जो 2017 में जो एलईओ का पेपर हुआ उसमें ये वाला तुम्हारा कट ऑफ था कितने में से 300 मार्क्स में से तो so, 300 मार्क्स में से का 160 नंबर था हर एक सवाल कितने का था नंबर का था तो अगर मैं 160 को ढाई से डिवाइड करता हूं तो आई गेट 64 इसका मतलब अगर किसी ने 120 में से 64 ठीक किए ओबियसली नेगेटिव मार्किंग वाले मार्क्स को घटा के तो उसको इंटरव्यू कॉल आया इन द ईयर 2017 अब इससे हम क्या चीज दिखती है कि एग्जाम में हमें 60 से 70 के बीच में कट ऑफ हमारा जा सकता है पर नहीं ऐसा नहीं सोचना है अगेन विद द डिफिकल्टी लेवल कट ऑफ भी काफी ज्यादा वेरी करता है और इसी बात को समझाने के लिए लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल कि जो ईपीएफओ का पेपर हुआ इन ईयर 2017 और फिर हुआ 2021. जो 2017 में ईपीएफओ का पेपर हुआ उसमें जिसके 120 में से अठावन सवाल ठीक थे जब मैं अठावन सवाल ठीक बोलता हूं तो नेगेटिव नंबर काट के वो ले हटाने मार्किंग वाले। लेकिन दो हजार इक्कीस में जब पेपर हुआ तो ये नंबर था 78 टू 80 अभी यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन हमने काफी स्टूडेंट से अभी नो दिस फिगर ठीक है तो लुक एट दिस जंप अठावन से 78 कट ऑफ में 20 नंबर का जंप सो so इससे क्या सीखना है वट इज अ लर्निंग फ्रॉम दिस कि जब पेपर देने जाओगे अपने दिमाग में सोच के नहीं जाना कि कट ऑफ कितना मुझे पार करना है हो सकता है तुम्हारा पेपर आसान हो तुम्हारा कट ऑफ 120 में से 85 क्वेश्चन चला जाए हो सकता है तुम्हारा पेपर मुश्किल हो तुम्हारा कट ऑफ सिर्फ 55 नंबर जाए 120 में से अगर तुम्हारे मन में पहले है कि मेरा कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी जाएगा पेपर मुश्किल आ गया तुम, तो, तुम से सिर्फ पचास पचपन सवाल ही बन पा रहे हैं तुम क्या करोगे करने हैं तो तुम कुछ शुरू करोगे और वही थर्ड तुम्हें अरे अगर मैं जो आता था बस वो कर देता तो मेरा uh, इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आ जाता सो so, लर्निंग क्या है अगर पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है। अगर तुम अगर तुमने तैयारी की है अगर ठीक है मतलब बिना तैयारी किए उठ के चले गए हो ना दो के सुबह फिर तो अः सब डिफिकल्ट लगेगा ही लेकिन अगर तुमने अपना ईमानदारी से तैयारी किया है और तुम्हें पेपर डिफिकल्ट लग रहा है इसका तुम्हारे बाजू वालों को भी डिफिकल्ट लग रहा है और तुम्हें लगेगा कि वो बिल्कुल पेन से कुछ कुछ लिखे जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कर देगा पर गाई डोंट वरी ऐसा कुछ पेपर में तुम्हारे आसपास कुछ आ, सुपर इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता सब स्टूडेंट ही होते हैं वो भी उतना ही जानता है अगर तुमने अपनी मेहनत की है तो तुम्हें कट ऑफ के प्रेशर में नहीं आना है जस्ट डू योर बेस्ट अगर आते हैं सिर्फ पचास कर दो अगर हो रहे हैं तो नब्बे कर दो जस्ट डू योर बेस्ट बट डोंट बी एनी प्री कंसिडर्ड नोशन की कट ऑफ कितना जाएगा ओके सो गाइज आई कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है सो गाइज हमारा एक अप्रोच है एंड आई एल एक्सप्लेन यू दैट So, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आ, इसको ध्यान से एक बार समझो उसके बाद तुम्हारी मर्जी यू वांट टू अडॉप्ट इट अदरवाइज हम सभी लोग ज्ञानी हैं ठीक है थीके? तो शुरू करते हैं so, सबसे पहले क्या करना है अपना सिलेबस है अपना सिलेबस में से ना कीवर्ड हमें पहले उठाना है जैसे कीवर्ड क्या हो सकता है तुम्हारा कीवर्ड हो सकता है जैसे लेबर लॉज या तुम्हारा कीवर्ड हो सकता है एचआरएम ठीक है तो एक बार अपना तुमने कीवर्ड उठा लिया जैसे कि मैंने लेबर लॉज उठा लिया या उठा लिया ठीक है सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि तुम्हें उस कीवर्ड की बाउंड्री डिसाइड करनी है बाउंड्री का मतलब क्या है बाउंड्री का दो तीन दो तीन मतलब है बाउंड्री के कि अब मैं लेबर लॉज के अंदर मैं क्या पढ़ाई करूं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें उन्नीस लेबर लॉज लोग तुम लोगों को याद करने हैं करेक्ट तो

सो एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो फिर तो ये सब हम काम हमने कर दिया बाउंड्री बाउंड्री फिर तो कुछ नहीं करना है जो हमने दिया चुपचाप पढ़ाई करना है और एग्जाम पे तो चले जाना है लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो या नॉट एनरोल्ड विद तो उन लोगों के लिए वी आर बिल्डिंग अप दिस स्ट्रेटजी की तैयारी कैसे करनी है ठीक है तो बाउंड्री डिसाइड कर लीजिए आप कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है जैसे एच में है अब तुम किसी बुक में दे, देखोगे एचआरएम की बाउंड्री क्या होती है कि व्हाट इज एच व्हाट एम वट इज स्ट्रेटेजिक एच आर एम उसके बाद एचआर प्लानिंग फोरकास्टिंग देन क्या होगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट उससे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रांसफर प्रमोशन बीच में रह गया ओरिएंटेशन ये सब एचआर के सिलेबस है पर एचआर में सिर्फ ये नहीं करना है एचआर में ओबी भी आएगा ओबी का मतलब क्या है तुम्हें मोटिवेशन थ्योरीज पढ़नी है तुम लोगों को uh,

एक लेबर लो है जो तो पढ़ना है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट आई थिंक 1962 या 68 ऐसा कुछ है देख देख लेना मुझे याद नहीं है ठीक है अब तुमने एक्ट वो खोल लिया अपने सामने या जो भी तुम्हारे तुम सामने अब इस एक्ट के 1961 है. Me. 1961 में था मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट ठीक है अब एक्ट मैंने खोल लिया ठीक है अब एक्ट में क्या करना है क्या मैं पूरा एक्ट पूरा पढ़ सो डालू so, एक्ट के अंदर भी कुछ कुछ चीजें हैं जै, जैसे कि जैसे कि क्या मुझे सेक्शन नंबर या से याद करने हैं है। है? नहीं करने हैं क्या मुझे शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो याद करना है नहीं करना है लेकिन क्या मुझे शेड्यूल का नाम पता होना चाहिए हाँ जी पता होना चाहिए अमेंडमेंट्स कौन से याद करने हैं टू थाउजेंड के बाद बाद वाले सारे अमेंडमेंट्स याद करने हैं क्या मुझे रूल भी याद करने या सिर्फ एक्ट याद करने हैं रूल याद नहीं करने हैं सो डिफाइन दिस अब तुम पूछोगे ये मैं कैसे करूं इसके लिए जो हमारा वीडियो का पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव है वो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो अभी शुरू करना कि उस एक्ट में क्या तुम लोगों को आ, पढ़ाई, आ, पढ़ाई मतलब उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो ऐसे पूरा सिलेबस का डिटेल एनालिसिस इस लेवल लेवल की ये कोई हाई ज्ञान हाई हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग ना टू कोशिश करते हैं बात करने की सो दैट वी गेट सम वैल्यू अच्छा हम लोग हम लोग क्या करते हैं एट ह्यूमन पेरेटस हमने अपना पूरा कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है अब तुम लोग पूछोगे की एट ह्यूमन पेरेटस तुम लोगों को कैसे पता तुम कैसे कह सकते हो कि सेक्शन नंबर याद नहीं करना है या रूल याद नहीं करना है या शेड्यूल का नाम याद करना है हाउ 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 यू कैन डिसाइड सो हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं एक एक सवाल को निकालते हैं अगर अगर तुम हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे एनरोल्ड हो तो वहां ये सब सोल्ड पेपर भी पड़े हैं और सिर्फ हम ऐसा नहीं कि पुराना एलियो का एक पेपर देख लिया उसे कर लिया नहीं वी गो बियॉन्ड दैट जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं अभी ठीक है अगर हम एलई के पेपर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं ठीक है ठीके? हम सिर्फ एलई का पेपर नहीं देखेंगे हम लोग अगर ई का सिलेबस है और अगर ई पी अगर ओ के सिलेबस में लेबर ईपीएफओ केवर्ड दिया हुआ है हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे क्या क्या पूछा है अगर यहाँ आई आर दिया हुआ है इसके अंदर ही हम लोग देखेंगे क्या -क्या, पूछा, क्या 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 पूछा है अगर तुम्हारा जेंटल जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी है तो इसके सवाल देखेंगे तो ईपीएफओ का एक एक सवाल हम लोगों ने किया हुआ है फिर हम एडमिन फिर हम एडमिन ऑफिसर के सिलेबस में अगर जाएंगे वहां जाके देखेंगे तो जब हम लोग डिसाइड कर करंट अफेयर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ाई करनी है तो हम इसका सिलेबस भी के भी सिर्फ सिलेबस नहीं देखेंगे इसके एक एक सवाल देखेंगे और सिर्फ एडमिन ऑफिसर 16 में हुआ फिर 19 में हुआ तो ऐसे 18 से 20 पेपर हैं जो पिछले सात आठ साल में यूपीएससी ने किए हैं हम लोगों ने सारे के सारे एक एक कीवर्ड हम लोगों ने किया हुआ और उसके बाद हम लोगों ने ये एनालिसिस किया हुआ है कि क्या तुम्हें करना और क्या नहीं करना और इसलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इस बात को बोल सकते हैं ऑफकोर्स सीखाई अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो फिर तो आ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है यू जस्ट हैव टू बी लाइक ब्लाइंड फ्लोवर जो हमने आपको दिया है प्रिंटेड बुकलेट्स और सिर्फ बुकलेट नहीं जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे छह सात हजार सवाल है वो भी एक एक करना है सिर्फ सवाल नहीं करना है हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ना है जो हम आपको 200 सौ सवा दो घंटे क्लास में पढ़ाएंगे उन टीचर्स की वीडियो सुननी है अगर आप ये सब करोगे फिर तो तुम्हें ये सब तुम्हें साथ ये वाला स्लैड देखने का भी नीड नहीं क्योंकि हमने तुम, लोगों, हमने तुम लोगों के लिए कर दिया है लेकिन जो लोग हमारे लिए साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमने ये मतलब वीडियो बनाया है कि तुम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है मे बी टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समवेयर एल्स या खुद से पढ़ाई कर रहे हो ठीक है तो अगर तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा उससे जरूर पूछना है तुम्हें यार सवाल कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज हम लोग क्यों और जब तक तुम्हें नहीं पता होगा तुम लोग तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे कि उसके बाद हम हम ये चीज क्यों कर रहे हैं ये चीज हम लोग क्यों नहीं कर रहे यू टू बी तो प्रोएक्टिव ठीक है <coughs> उसके बाद सो so गाइज हमने अपना बाउंड्री बना लिया अब बाउंड्री के बाद हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे थर्ड स्टेप क्या है कि पढ़ना कहां से है सो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ना कहां से है सो so गाइज हम लोग जनरली क्या करते हैं जनरली वट वी डू हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए और ये थोड़ा आजकल ज्यादा हम लोगों का ज्यादा आदत बन गया पिछले आठ दस साल में अगर मुझे अब लेबर लॉज पढ़ना है मुझे एच आर एम पढ़ना है तो जाँगा? मैं सबसे पहले कहा जाऊंगा मैं जाऊंगा यूट्यूब पे यूट्यूब पे मैं क्या ढूंढने की कोशिश करता हूँ दो चीजें मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ नंबर वन यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो जिसमें कि क्या कुछ कोई मुझे कोई तीस मिनट में मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट पढ़ा सकता है ये मैं कोशिश करता हूँ दूसरा मैं क्या कर सकता हूं क्या मुझे कोई मेटर्निटी बेनिफिट के मोस्ट इंपोर्टेंट पंद्रह सवाल बता सकता है ये दो चीज मैं करता हूं राइट right? ये दोनों चीजें नहीं करना है सो आई एम स्टार्टिंग विद वट यू डोंव टू डू इससे इससे ये वाला चीज नहीं करना है और ऐसे हमारी बात नहीं मानना है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है आई यू टू डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो कि अपने लेवल पे तुम लोग कर पाओगे और ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा ठीक है सो so करना क्या है तुम लोगों को जाना यूट्यूब पे अब मैं यूट्यूब पे चला गया आई होप यू कैन सी स्क्रीन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें पूरा स्क्रीन दिखाई दे ठीक है सो तुम लोग यूट्यूब पे चले गए अब YouTube पे जाके तुम लोग क्या करना कोई भी ऐसा एग्जाम जो लेट रिसेंटली हो, हो चुका है यूपीएससी का जैसे कि अब ई का हुआ या फिर अभी ईपीएफओ का हुआ था ठीक है सो ई ले लेते हैं सो ई पी एफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसको सर्च करना अब सर्च करते हैं तुम्हारे पास uh, सवाल आ जाएंगे खूब सारे ईपीएफओ के मतलब काफी लोगों ने uh, कुछ कुछ वीडियो डाल दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट फिफ्टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब गाइज अब क्या करना है नेक्स्ट चीज क्या करना है इनमें से एक वो वाला वीडियो देखना है जो शायद पेपर पेपर कब हुआ था चार या पांच सितंबर दो को हुआ था

दैट इज हाउ पहली बार तुम्हारी थोड़ी आंखें खुलेंगे कि वाई दिस स्ट्रैटी डज नॉट वर्क एंड दिस इज अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज गाइड जिन्होंने मेहनत करके वीडियो बनाया कुछ कुछ किया है ठीक है लेकिन ये सब काम नहीं करता हो सकता है एक सवाल आ भी गया हो किसी का लेकिन जहां कट ऑफ हमें 80 सवाल ठीक करना नब्बे सवाल ठीक करना सत्तर सवाल ठीक करना है वहां अगर दो सवाल आ भी गए तो उससे एग्जाम पास होगा नहीं होगा एग्जाम so, पास कैसे होगा एग्जाम पास कैसे होगा सोगाइ एग्जाम पास होगा अपने ट्रेडिशनल मेथड को अपने जो ट्रेडिशनल मेथड हैं करने के उनसे एग्जाम पास होगा ठीक है सो पहला काम क्या करना है पहला काम क्या नहीं करना है कि इंपॉर्टेंट सवाल या इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढना बंद कर देना है अब बताता हूं क्या करना है करना यह है कि जो भी तुमने अपना सिलेबस का बाउंड्री और डेप्थ डिसाइड कर लिया है उसके बाद उस कीवर्ड को लेके पूरा का पूरा ए, पहली लाइन से आखिर लाइन तक उसको पढ़ाई करना है अब, तो अब कहा कि सब जगह एक्ट हमने तो नहीं बनाया है न किसी और ने बनाया तो सरकार ने बनाया राइट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की पर जो पूरा एक्ट देगा, उस एक्ट को पूरे को याद कर डालो हम लोग क्या करते हैं हम लोग हम लोग उसमें कुछ नया नया नहीं करते

उसको पहले से आखिरी शब्द तक रिलीजियसली पढ़ना है एंड दैट विल टेक टाइम हम लोगों को अपनी क्लास में फैक्ट्री जैक्ट पढ़ाने में चार घंटे लगते हैं दैट इज हाउ उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अब इससे बाहर सवाल नहीं आएगा अगर तुम्हें कोई फैक्ट्री जैक्ट आधे घंटे में पढ़ा के चला गया तो इसका मतलब उसने कुछ छोड़ दिया है तो हाउ कैन समी टेक अ डिसीजन कि क्या छोड़ना और क्या नहीं करना है फोरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी यूपीएससी के पेपर में कोई इंपोर्टेंट सवाल गैस नहीं कर सकता है कोई इंपोर्टेंट सवाल गैस नहीं कर सकता गैस सो कमिंग बैक वापिस आता हूं मैं कि अपने जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनको यूज करना है और आ, पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस करना है यूट्यूब से पढ़ाई करना बंद कर देना हाँ यूट्यूब से क्या कर सकते हो एक बार मैंने अपना सिलेबस कर लिया है फिर ये चेक करने के लिए मैंने ठीक से पढ़ाई किया नहीं किया है तब YouTube पे कुछ वीडियो से दो चार सवाल करके देख लो अपने आप को असेस कर लो दैट इज ओके लेकिन आ, पढ़ाई वहां से नहीं करना है वंस मोर गाइज एक बात और बोलता हूं इस, इस सब की समरी करने के लिए अगर इस एग्जाम की या यूपीएससी किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा आता है जिससे तुम्हारा जीवन आसान बन जाए या छोटा तैयारी हो जाए या कम टाइम लगे तो वो झूठ है कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं जो स्मार्ट है या जो आसान है या जो इजी है जिससे एग्जाम निकलता है सब मुश्किल से पसीने भरे रास्ते हैं सब टाइम कंज्यूमिंग है तीन चार महीने लगाने पड़ेंगे एक ही चीज याद करनी सारे रास्ते उसी से गुजरते हैं अगर किसी ने भी तुम्हारा जिंदगी आसान कर दिया तो उस उस पर तुम शक करना शुरू कर दो गाइज वी एट ह्यूमन पैर इफ ओ का पेपर हुआ ठीक है एक सवाल आए उसमें से 105 सवाल हमारे कोर्स में कवर्ड थे जो हमने बच्चों को पढ़ाया ठीक है इवन फॉर अ टॉपिक लाइक इवन करंट अफेयर जिसमें गैस कर पाना संभव नहीं होता है उसी में से हमारे पंद्रह में से आठ से नौ सवाल आए थे ईपीएफओ के पेपर में ठीक है अब अब ये कैसे ये सवाल कैसे आ गए हम लोगों को कोई ऐसा एक्स्ट्रा विजडम नहीं है हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने हर चीज अच्छे से पढ़ा दिया उसका पूरा बाउंड्री बनाया हर चीज एंड एंड दैट टुक टाइम मैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि अकाउंटिंग वालों को हमने मोर देन रिक्वायर्ड पढ़ा दिया बट बट दैट्स ओके हार्ड वर्क विल नेवर किल यू लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तो कम से कम तुम लोग बास तो होगे सो सो गाइस एक बार सारा सिलेबस करने के बाद विद योर ट्रेडिशनल बुक्स या जो भी है फाइनल स्टेप क्या है तुम लोगों को क्वेश्चन करने हैं अब क्वेश्चन कोशिश करना है टॉपिक वाइज करने की अगर मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट कर रहे हो तो पहले कोशिश करना क्या मैं संभाव मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के ही तीस सवाल कर सकता हूं या पचास जितने भी तुम लोगों को मिलते हैं सो गो की वर्ड बाई की वर्ड इन अ वे तुम्हारा जो सारा सिलेबस है उसके तुम्हारे जो सिलेबस में जो है That can be easily broken down into approximately 120 to 130 keywords. और ये तुम्हारा पूरा सिलेबस बनेगा अब 120 130 तुम हमारी वीडियो में भी देख सकते हो पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव और उसमें so अगर, अगर तुम लोग इस अप्रोच से अपना पढ़ाई करते हो जिससे हमने अभी बात किया है ठीक है तो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता तीन चार महीने लगेंगे एफर्ट लगेगा अगर तुम मोटिवेटेड हो अगर तुम ये नौकरी अच्छी लगती है और तुम्हारा मन है ये करने का जस्ट फॉलो दिस पाथ एंड नोबडी कैन स्टॉप इट गाइस यूपीएससी एलियो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि कहीं से कोई भी सवाल उठ के आ गया मतलब इसमें डिफिकल्टी है कहाँ? अगर अगर फैक्ट्री एक्ट में कोई लाइन लिखी हुई है तो लिखी है उसमें क्या क्या डिफिकल्टी यूपीएससी वाले उसमें लगा सकते हैं अगर हम यूपीएससी एलई में फेल होते हैं इसके दो ही कारण हो सकते हैं पहला हमने अपना हंड्रेड परसेंट सिलेबस नहीं किया दूसरा कि हम लोग कुछ शॉर्टर स्मार्टर मेथड ढूंढने के चक्कर में हमने वी इग्नोर थिंग्स इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता कि आप यूपीएससी एलई के पेपर में मेहनत करके एक अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाए इन दिस शॉर्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर फॉर upsc labor enforcement officer exam with human paritus so to make you understand that process let us go to website of human paritus so once you are on the home page of human paritus we'll go to the page for labor enforcement officer upsc and once we are on this page we'll come to this section where it is given how you will prepare with us so as you can see there are four steps of preparation so let me explain you what you will do in these four steps for preparation of UPSC LEO. So, guys, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So, maybe you can take factories act or you can take motivation theories uh, under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we will send at your home via courier so these are quite concise booklets and they will provide you 100% uh, coverage of the syllabus uh, current affairs are also included in these uh, in these booklets only so once you have gone through that particular keyword of factory reject or motivation theory whatever you have selected you'll go to the second step so guys these video classes these video classes will make you understand that keyword conceptually so teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important what is less important and conceptually explain mind it in these live classes you can interact with that teacher and interaction ka matlab ye nahi hai ki you can just uh, chat and ask your doubts you will be speaking your doubts to that teacher guys your mic will be turned on और आप डायरेक्टली टीचर से आप क्लास में बात करके अपने डाउट डिस्कस करोगे एज इफ यू आर इन अ फिजिकल क्लास नॉट जस्ट चैट ऑप्शन यू गेट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डेज अनदर थिंग इफ यू मिस एनी क्लास डेफिनेटली विल एंड अप मिसिंग फ्यू क्लासेस बिकॉज ऑफ यूर बिकॉज ऑफ यूर टाइम यू यू विल ऑल्सो गेट रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ एवरी क्लास नाउ सो दिस आर स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर

Idea कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन दुकलेट अगेन गो टू दिस सेक्शन ऑन द सेम पेज चेक आउट हाउ प्रिंटेड बुकलेट्स लुक लाइक और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है यू कैन गो थ्रू एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन दीज प्रिंटेड बुकलेट्स अगेन दीज आर सैंपल बुकलेट्स पर आपको इंडेक्स पेज पूरा दिखेगा उसके अलावा 10-15 पेजेस भी दिखेंगे एंड दिस विल गिव यू गुड आइडिया हाउ कंटेंट हैज बीन अरेन्ज्ड इन दीज कंसाइज कैट्स नाउ गाइज स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू आर डन so you have understood that particular keyword from uh, booklets as well as video classes then we'll move on to step number 3 and this is the most important step step number 3 is what step number 3 is a online question bank which has got more than 7000 questions but these 7000 questions have been subdivided in more than सब ठीक है जैसे कि पूरे एचआर को हमने कम से कम अठारह बीस टॉपिक में डिवाइड कर दिया हर एक में कुछ होंगे चालीस सवाल पचास सवाल अस्सी सवाल हंड्रेड सवाल छोटे छोटे हमने उसे कर दिया सो so, एक बार अगर आपने फैक्ट्री जैक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है सो यूल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म एंड फॉर दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक ओनली फैक्ट्री जैक्ट और मोटिवेशन थ्योरी यू विल डू अराउंड एटी टू हंड्रेड क्वेश्चन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली ठीक है

Uh, ज, जैसे कि ई पी एफ ओ एस आई सी डी डी एडमिन ऑफिसर स्टोर ऑफिसर ए पी एफ सी इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले आठ नौ साल में आई थिंक अठारह से बीस पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है व्हाई बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं या फिर uh, या फिर इंडियन के के आते हैं, के आते हैं हैं फ्रीडम ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है सो इल गो थ्रू ओनली रेलिवेंट क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दीज एग्जाम्स उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं सी आई एस एपीएफ या यूपीएससी सिविल सर्विसेज वहां से भी जो जो only relevant questions. So, भी जो-जो तो वो वाले सवाल हमने इस question bank हमने इस में इसमें डाल दिए। so, ये सारे नॉट एट थाउजेंड क्वेश्चन बैंक नो वेरी केयरफुली चूजन हर एक को हमने उसमें डाला है अनदर थिंग क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो वाई दैट इज इंपॉर्टेंट अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे देन यूल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ विद द आंसर सो दैट आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा उस देन देयर यू विल अंडरस्टैंड इट सो दीज थ्री स्टेप्स ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक कंसाइज बुकलेट्स एंड वीडियो क्लासेज थ्रू दीज थ्री स्टेप्स यू विल कवर

और नहीं ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में जो सवाल है वो रिपीट हो जाएंगे नहीं सो आईडिया डे हाउ यूल द एग्जैक्टली सेम ऑफ प्लेटफॉर्म एज दी बी टी विच विल गेट इन द एक्चुअल यूपीएससी ताकि आपको उसका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा सो गाइज वट इज अवर प्रोमिस If you go through these four steps with human paritus, you don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever we'll give you. Even if you have some books, put them aside. Whatever we'll give you, go through that and you will be ready for the exam. We we adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, seven people were from uh, Human Peritus uh, Preparation Plan. So every fifth guy in the country was a Human Peritus student, and we are pretty confident. If you do then you do not need anything else. And it will take some time. It will also take some. It will take three to four months. It is not easy job. Labour Act ka ek -ek line karna, ya pura जो हम आपको बताएंगे टू गो थ्रू अराउंड टू हंड्रेड आवर्स ऑफ विडियो क्लासेस लेकिन स्लोली स्लोली इफ यू बिल्डअप की अलावा कुछ भी नहीं छूना है विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर सेव टूट इवन करंट अफेयर दैट इज ऑल्सो अर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल टेल यू की करंट अफेयर में तुम्हें तो क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है सो so गाइज you are you are welcome you can enroll by paying online through the same website only so you have got option one option two option three through the through these options you can join i'll advise that you come for the live classes so that you get the real value and uh, if you have any other doubt you want to ask anything you want to uh, discuss anything you want to agree with us you want to disagree with us you are you are most welcome so uh, uh, you can call us anytime there is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best.